सुबह उठ के सहरी कंप्लीट हो गया है, नमाज पढ़ के कंप्लीट हो गया है, और अभी आज सहरी में क्या हुआ था मम्मी आप लोग को बताएंगे आज। आज चौथा रोजा के दिन भी ऐसा अलम बस्ता था, मैं उठ जाती थी, उठ के मैंने ताज की नमाज पढ़ लेती थी, उसके बाद नाश्ता बनाते थे मेरी लड़की मैं मिल के बनाते थे। तो आज क्या हुआ, आज मेरे को नींद ही नहीं खुली, जब भी 15 मिनट बाकी है तभी का नींद खुले, तो जल्दी घाई घाई कर उठी, उठ के जान पत्थर पत्थर कर रहा था मेरा। मेरा लड़का भी उठ गया, लड़का बोल रहे मम्मी चाय रोटी बनाने का बहुत टाइम लगे, खाने में क्या है, तुम्हें भी खाने में टोस्ट बटर है। तो मेरा लड़का बोल तुम्हें आज रोटी मत बनाओ, चाय बना लो। तो हम लोग उसमें से खाए, अल्लाह के शुक्र है चाय भी बराबर से खाए, मतलब पिए और बटर के साथ ही खाए। और खा के पानी उनी पी के ब्रश करके तभी उसमें आसान खत्म हुआ बोले। तो देखो अभी एक एक बार ऐसा हो जाता, अपने को नींद भी नहीं खुलती। तो मैं इधर आ गई गैस साफ करने के लिए, क्योंकि अभी तो सब तेल का चीज़ ज़्यादा बनता है तो गैस कुकर ख़राब हो जाता है। तो मेरे को ऐसा लगता ना गैस साफ नहीं होता ना, जैसा लगता ना मेरे को आज कुछ काम ही नहीं हुआ, किंतु रोजा करते करते ज़्यादा काम हो जाता है ना, लोग इनफेक्ट थक जाते भी है, ऐसा नहीं है रोजा करके कमजोरी हो जाता है, फिर भी एक एक बार ऐसा लगता है। तो मैं अभी देखो गैस तो मेरा साफ हो गया, अभी मैं जो बर्तन है मेरा कितना बर्तन जमा आप बता दी मुझे आप लोग को, बोली ना देखो बर्तन कितना सारा निकला, तो हो जाता बर्तन धोने का। तभी मम्मी आज खाने में क्या बनाओगे, मम्मी से पूछू जरा मैं, बर्तन वॉश कर लेंगे। मम्मी से पूछती हूँ आज दोपहर के खाने में क्या, दोपहर के और शाम रात में जो खाना खाएंगे अफ्तारी के बाद उसमें क्या बनने वाला है, मम्मी से पूछ क्या बनने वाला है मम्मी आज क्या बनेगा। आज बनेगा भिंडी काजू। अच्छा, अभी घर में कोई खाते नहीं भिंडी, अगर मैं ऐसा बनाऊंगी तो बच्चों लोग बोले बड़े लोग शौक से खाएंगे। तो आज बनेगा इफ्तारी के बाद जो शाम को जो खाना खाते है वो भिंडी काजू होगा। अच्छा बनेगा, तो अब मैं रेसिपी आप लोग को रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में देखने मिलेगा। रुखसाना कुकिंग किचन भी देखो, उसमें भी अच्छा अच्छा सब मिलता है, कुकिंग है, बाहर का भी है, अलग अलग चीजें अलग अलग आप लोग को देखने मिलेगा। आज अफ्तारी में स्पेशल क्या बन रहा है भजिया? आज अफ्तारी में बनने वाला है जो हमारे कोलकाता में जो आलू चप बनाते हैं। अच्छा, वो आलू चप बनेगा लेकिन प्लेन नहीं है, उसमें चिकन जाएगा और चीज जाएगा। चीज़ ओ, तो आज उसका इफ्तारी का स्पेशल क्या रहेगा, चिकन चीज आलू चॉप, चीज आलू चॉप। अच्छा, तो आप लोगों को उसमें वो है, आप लोगों को पूरा देखने मिलेगा। हाँ, जैसा स्टार्टिंग से एंड तक आप लोगों को ये सब कुछ बनाएंगे जैसे करके बनाते हैं, देखने आप लोगों को देखने मिलेगा। आप लोग को रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में देखने मिलेगा चिकन चीज आलू चॉप। आप लोग याद रखना, याद रखना चिकन चीज आलू चॉप। अगर किसी को बनाना है वो लिख कर रख दो, भूल जाओ बने। चले गए थे, अभी इसमें हम लोग बर्तन स्टैंड में लगा लेंगे सब धीरे धीरे करके। अभी हम क्या क्या लाने गए थे हम लोग मार्केट से आप लोग को बताते हैं। अरे देखो खटमल हुआ घर पे, तो टर्मिनेटर का एक है वो, ये लेके आने के, ये लेने गए थे। अरे देखो जो चिकन कबाब और चिकन आलू चॉप चीज़ के साथ वो है इधर, इसको उबालने देने का। अरे देखो ये चिकन बर्फ हो गया, इसको पानी में डाल। और जो मुल्ला कुकिंग किचन की रेसिपी बनने वाला है भिंडी काजू, तो उसके लिए यहाँ पे सब रेडी करके रख दिए। इसका रेसिपी आप लोगों को रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में देखने मिलेगा। अरे कबाब भी इसका, हाँ रुखसाना मुल्ला में, रुखसाना मुल्ला में कबाब बना है, ये भी उसी रुखसाना मुल्ला कुकिंग किचन में देखने मिलेगा। इधर आलू चार पाँच लिए, उसको भी बॉईल करके बनाएंगे। और चिकन को मम्मी कीमा नहीं करेंगे, इसको अक्का रखेंगे, छोटे छोटे करके पीस कर लेंगे। तब झाड़ू मार के हॉल बेडरूम किचन झाड़ू मार के कम्प्लीट हो गया है, अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चावल चढ़ा दिए हैं, अभी फिर यहाँ पे दूसरे गैस में आलू बॉईल करने रख दिए इधर, ये भी हो जाएगा। ये तो आप लोगों को बता दी, इसका रेसिपी रुखसाना मुल्ला में देखने मिलेगा आप लोगों को। पानी लीकेज हो गया था इधर, कुछ उसमें पहले से था कि पता नहीं, देखना पड़ेगा एक बार, फोड़ के देखो एक बार, तैयार देखो करने के लिए। इसके हिसाब से जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये देखो तो जल्दी जल्दी निकल गया। इसमें भी एक रेसिपी बनेगा और कब बनेगा आप लोगों को देखने मिलेगा। कोलकाता में हम लोग खाते थे,
मैंने मम्मी को बोली मम्मी नारियल पहले से तोड़ के रख दो, जब तुमको रेसिपी बनाना रहेगा तभी तुमको आसानी होगी बनाना। अभी हो गया शायद, देखो एक बार पानी भरा दे आ रखे, पानी और तोड़ना पड़ेगा उसमें। इसमें ये देखो पानी कल कितना पानी निकला है माशाल्लाह, छक के थोड़ा सा खाली वो हो गया लेकिन अंदर का बहुत अच्छा फटा हुआ दिया था वो। हाँ मालूम नहीं पड़ा शायद आपको। दोपहर के टाइम पे बच्चे लोग धूप में क्रिकेट खेल रहे हैं और हम बड़े इंसान धूप में रहते हैं, हम थक जाते हैं आके। अब सोचो उन लोगों को कितनी थकत है धूप में, इतने धूप में सब खेल रहे, कोई रोजेदार भी होगा। हम सब कंप्यूटर की अफ्तारी के लिए भजिया बना रहे हैं, शिमला मिर्च का पकौड़ा बना रहे हैं। इधर पर असर की नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ सूरह यासीन पढ़ी, पढ़ के बोली एक एक करके सब फ्रूट काट भी लिए। अब ये शिमला मिर्च का अंदर आज कुछ नहीं दिए, एक बार बनाई थी आज प्लेन बनाएंगे। हर हर चीज़ एक एक दिन करके खाना चाहिए ना, तो आज बनेगा मेरा फोटो रेडी। अच्छा लग रहा है, कितना जबरदस्त लग रहा है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। ये देख पूरा एकदम रेडी करके रख दिए है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है ये कांदा है, जो आज चटपटी बनने वाला है ना, रगड़ा पैटीज रगड़ा बनने वाला है। और हम लोग को मुल्लू में रगड़ा जो खाते हैं ना, तो उसको चावल से हम लोग को मुल्लू में ना इसको चटपटी बोलते हैं। ऐसा आलू कट कट के बनाते हैं, इसलिए मैंने आलू काट दिया। ये खट्टा है, ये ग्रीन चटनी है, पुदीना इमली कोथमीर लहसुन कोथमीर, और इसको जो कांदा है उसको अंदर मिला के सजाने का, काला नमक लेकर आने का। ये यूरोप जगह शरबत अनार है, कच्चा चना है, ये चना पका हुआ है, ये फल है, ये गड़ा भुजिया है, चावल कांदा मिर्ची और चना, और ये शिमला मिर्च का भाजी है, भजिया भजिया सॉरी भजिया। तो आज इफ्तारी में ये बनाया, तो चलो अफ्तारी कर लेते हैं। अफ्तारी करने के बाद बैठ गया यहाँ पे, मिर्ची काट लेती है, मिर्ची नहीं देगा ना, मिर्ची मिर्ची का एक तीखा और एक और खुशबू रहता है ना, तो रगड़ा खाने को मन कर पे रगड़ा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। रगड़ा को अच्छी तरह से बना लेंगे। कोलकाता में एक बार हम लोग ने खाए थे, सेम ऐसे ही बनता है, ये आज आप लोग से भी शेयर करेंगे तो आप लोग को भी पता चले कि हम लोग के कोलकाता में खट्टा है या इमली का खट्टा है। इमली का ये ग्रीन चटनी, अब ये हरी मिर्ची, अब जाएगा कांदा, अब जाएगा मसाला, चटपटी मसाला शेष हो गया खत्म। उसके बाद जाएगा काला नमक ऊपर से, काला नमक अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे। ये देखो पानी आ रहा मुँह पे, और थोड़ा खट्टा दे देती हूँ। आहा जबरदस्त ग्रीन खट्टा ग्रीन चटनी, आहा क्या जबरदस्त लग रहा है खुशबू। चल देंगे वापस कांदा कोथमीर रेडी। अजान भी हो गई है, चलो अफ्तारी कर लेते हैं। अफ्तारी करने के बाद आपसे मिलते हैं, पानी डाल देंगे रोज़ा खोलने के लिए। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुमतो उबेका अमंतो, आप करो बेटा का है, भाई के लिए ना, ऑफिस गया ना वो आके खाता है, तो सब रख देते उसके लिए। भजिया गौड़ा भुजो जो पॉप सब रहता है सब रख देते मम्मी भाई के लिए। वो आके आराम से मुँह हाथ धो के बैठ के खाते, खाने के बाद थोड़ा हम मम्मी से बात करते फिर से जाके सो जाते। तो चलो बाद में आपसे मिलती हूँ। एक कांति करके बोल के गया, मतलब बोल के गया बार बार कि कपड़े इस्त्री करके रखना कल सुबह सुबह एकदम उसको जाने का इंटरव्यू देने के लिए, तो इसलिए कपड़े सब इस्त्री करना नहीं पड़ता, वो तो आज बोल के गया मैं तो खुद ही कर लेते। तो घर का पूरा काम वाम सब कंप्लीट हो गया था तो भी बोले इस्त्री करके जाने को, इस्त्री कर रहे। आती है जैसा आता है मम्मी को वैसा मम्मी उसके हिसाब से करेंगे। अब देखेगा तो भाई आगे बोलेगा नहीं बराबर है, बहुत खुश होते हैं। हाँ भाई बहुत खुश होते हैं, जो भी चीज़ हम लोग करके रखते हैं ना भाई आके बहुत खुश होते हैं देख के। तो चलो
इस्त्री कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए कितना अच्छा लगा, जैसे भी किए भाई बहुत खुशी होगा कि मैंने जो बोल के गया मेरी मम्मी ने सुनी और वो चीज करके रखी। फिर वो भी तो सुनता है। हाँ भाई भी सुनते हैं मम्मी का। मैं बोलती तुमको जो पसंद है वही लेके आओ, मैं अपनी कभी नहीं बताती, मतलब मुझको मेरे अपना पसंद कभी नहीं बताती, मतलब मेरे पसंद सबके साथ है। मेरे जो पसंद है ना सबके साथ है, मेरे पसंद कभी अकेला नहीं है। शर्ट इस्त्री कर लेते हैं, करने के बाद आपसे मिलते हैं, चिड़े मुर्गी भी खाना है। ये देखो जुनेद, उधर से समंदर दिखेगा और बिल्डिंग होता है ये, और ये ऊपर इसका गेट इधर से ही है। बाहर निकल के जाते हैं ऐसा है, इधर एक दवाखाना है ऐसा, और ये बाहर ब्लड टेस्ट का दवाखाना है, और ये पार्लर है, और देख बस भी आगे, बस स्टैंड मोड़ता है ना इधर का ही है ये, उधर जाता बस इंटरनी का रास्ता है, और ये जैसे जिधर से आइसक्रीम लेता है वो आइसक्रीम का दुकान है। अभी नमाज हो रही, मस्जिद कितना अच्छे से डेकोरेशन किया है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पैसे जाकर आ गए हैं, आने के बाद में जो चिड़े मुर्गी बनाए थे वो आके नमाज पढ़ के हो गया वॉक पे से आके, और जो चिड़े मुर्गी था वो भी वो खाने। मम्मी कैसा लगा? मम्मी बहुत मज़ेदार, बहुत बहुत ताकत मिलता है ना, मैं भी खाऊंगी। तो चिड़े मुर्गी खाते खाते वीडियो इधर ही एंड करते हैं। भाई को कल ऑफिस मतलब एक जगह पे इंटरव्यू देने जा रहा है, आप लोग दुआ करना इंशाल्लाह वो पास हो जाए। तो उसके लिए बैंक ICICI बैंक से उसको वो आया है, इंटरव्यू देने का ऑफर आया है। तो आप लोग, हाँ मेरी बहन को भी दिए थे नया चीज़ बनाए थे, तो अब वो भी खाएगी तो पर फ़ोन करके बोलेगी मम्मा बहुत अच्छा था। तो चलो खाते खाते वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। भर के रखे मम्मा ने कोकोनट, वाह मस्त जबरदस्त लगेगा। वो वाला है 3 प्लेट, इसलिए एक भाई का है, भाई ऑफिस आके खाते, और वो जो 2 प्लेट दिख रहा है, एक जो प्लेट दिख रहा है मेरा है, एक मम्मी का है। तो चलो बाद में आपसे मिलते हैं, बाय, अल्लाह हाफिज़।